बाबा ये जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल है ये भी सब चेंज हो जाएगा ना? बिल्कुल चेंज, जब आपकी योग बल की पावर आएगी, आपकी आत्मा एकाग्र हो जाएगी एक बिंदु पर, 8 घंटे अगर एकाग्रता आ जाएगी तो आप जो सोचेंगे सो ही होगा। इसलिए मुझे में बोले दवा खाने का कोई दरकार नहीं नहीं पड़ेगा जाकर। इस दवा खाना बंद कर दो, मरमरा जाओ। नहीं बोले मुझे, इसलिए जब योग पूरा होते जाए, योग बल का पावर भी नहीं आई, वो दवाई जो भगवान बनाते हैं वो दवाई बन के तैयार भी नहीं हुई, और जो आज दवाइयां चल रही हैं जिनसे हम क्योर हो रहे हैं, स्वस्थ बन रहे हैं, वो भी हम खाना छोड़ देंगे तो नुकसान होगा फायदा होगा? नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। बाबा 8 घंटे गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट की सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा, जिसकी सेवा करेंगे, मान लो राष्ट्रपति ने कोई काम दिया किसी आदमी को कि ये काम तुम्हें करना है, प्रधानमंत्री ने कोई काम दिया किसी आदमी को तुम्हें ये काम करके दिखाना है, तो वो काम अगर कोई करने में लग जाएगा तो उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति याद आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे है, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं वो बच्चे, उन बच्चों को मैं बहुत याद करता हूँ। सारी दुनिया मेरे को याद करती है और मैं किसको याद करता हूँ? जो ईश्वरीय सेवा करने वाले सर्वसेवल बच्चे हैं, मैं उनको याद करता हूँ। तो ज्यादा योग किसका तीखा होगा? जो सर्वसेवल बच्चे हैं जिन्हें भगवान खुद बैठ के याद करता है, उनके ऊपर तो भगवान की छत्र छाया याद की है, तो वो तो याद में बहुत तीखे चले जाएंगे। किसी ने पूछा कि 8 घंटे योग बैठ के सारा आएगा कि मतलब जो चलते फिरते आएगा, क्लास से पहले करते हैं या अमृत वेला वगैरह करते हैं, वो सब मिल के आएगा? एक गृहस्थी होते हैं, गृहस्थी के क्वेश्चन है। हाँ, जिनको कहा जाता है गिरिहस्ती। दुनिया समझती है कि ये गिरिहस्ती है, और गीता में भगवान ने ज्ञान किसको दिया है? सन्यासियों को दिया है। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को ज्ञान दिया है या अर्जुन जैसे गृहस्थियों को ज्ञान दिया है? गृहस्थियों को, जिनको दुनिया गिरी हस्ती समझती है उनको ही ऊंची हस्ती बनाने के लिए भगवान आता है। जो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां हैं, बैठ के योग लगाने वाली, बैठ के खाने वाली, वो उस योग को नहीं प्राप्त कर सकती। लकालक सफेद धोती पहन ली, आराम से भाषण झाड़ दिया और सोफा सेट में बैठ गए, तो उनको, वो तो मठपंत जैसे जमाने वाले सन्यासी होते हैं, ऐसे ही ये मठपंत जमा करके बैठते हैं, मुरली के बरखिलाफ आचरण करते हैं। मुरली में तो बोला हुआ है कि तुम बच्चे किराए पर मकान लेते रहो, ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, तुम अपना मकान नहीं बनाना, मना कर दिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाना अपने नाम से। वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है, दुनिया को सिखाते हैं विनाश सामने खड़ा है, तो दुनिया वालों को विश्वास होगा? नहीं। मैंने भी ये देख कर ही सभी को समझते कि हाँ आपका एडवांस ठीक है। अच्छा, तुमने अच्छा किया जो किराए चला रहे और कुछ तो अच्छा किया सैंपल कर रहे ना। अच्छा बाबा, ये अमृत वेला कभी कभी झुटका आने के बीच में उठ के इधर उधर, अमृत वेला उठते हो तो झुटका आता है तो इस बीच में मतलब ऋषि मुनि तपस्वी जो सवेरे उठ उठ करके पुरुषार्थ करते हैं, रात में देखते हैं कि सितारों की ये गति है, अब सवेरा हो चुका है ना, सूर्य 2-4 घंटे के अंदर अंदर निकलने वाला है, तो पहचान लेते हैं ना सितारों की गति देख करके। तो यहाँ भी कौन से सितारे हैं? ये चैतन्य सितारे हैं। तो मैं ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ चैतन्य सितारे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, आभास हो रहा है कि वो निकल चुके हैं, कुछ निकल चुके हैं, अरे 1-2-3 निकल चुके हैं कि नहीं निकल चुके हैं? है? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति का बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा रहे, है? है? दिखाई पड़ता है। अच्छा, ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है? है, जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं, सारे सितारे हिल जाते हैं, चक्कर काटते हैं इधर उधर दुनिया में, भटकते रहते हैं, और वो सितारा
एक ही जगह अपनी जगह पर अटल रहता है। तो कोई पुरुषार्थ में अटल रहने वाला सितारा दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा है? दिखाई पड़ता है। तो फिर तो तुम्हें अमृत वेला जग जाना चाहिए है? तुम क्यों कंप्लेंट करते हो? कंप्लेंट वाले कोई अनिश्चय आता होगा, ये ध्रुव तारा हो सकता है? अरे ये नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बाबा। हाँ, कैसे? ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब वो आए तो क्या करना चाहिए, मतलब उठ के? कौन आए? मतलब माया छुटका बता रहे हैं। देखो रावण अटैक करता है तो क्या करना? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी माया रावण अटैक करता है तो अवस्था नीचे जाती है। अच्छा रावण को किसी ने जीत लिया, पांच विकारों को थोड़ा थोड़ा जीत लिया, फिर कुंभकर्ण हमला करेगा कि नहीं? करेगा। कुंभकर्ण उसका भाई नहीं है? भाई है तो उसके भाई को मार दिया तो हमला नहीं करेगा? करेगा करेगा तो घबराते काहे के लिए है? बाबा ने तरीका बताया है, बाबा ने मुरली में बताया है, जो ड्रापर होता है ना आंख में डालने वाला छोटा सा, उसमें सरसों का तेल डाल लो। क्या? सवेरे को बैठे बैठे याद करते समय जैसे ही झुटका आना शुरू हो वैसे ही आधा बूंद लेकर के इधर याद हो जाते, आधा पौना घंटा बिल्कुल नींद हो जाएगी, उसके बाद तो सुबह हो जाएगी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस पड़ जाएगी जगने की।